नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अच्छे से होंगे और अपनी स्टडी जो है और भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि रेलवे मैंने जो है एक बहुत बड़ा न्यूज़ दे दिया है, यानी रेलवे के इतिहास में जो है ये पहली बार जो है ऐसा हो रहा है, और रेलवे के इतिहास में जो है ये पहली बार जो है इस तरीके की कहानी चल रही है। अब कहानी जो है इसमें क्या चल रही है ये हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, और इसमें जो है क्या चर्चा चल रहा है जरा उस चर्चे के बारे में जानेंगे, क्योंकि चर्चे के बारे में जानना थोड़ा सा आप लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग जो है कंटिन्यू इस चीज के लिए क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो उस तैयारी में के मद्देनजर रखते हुए, उस तैयारी को मद्देनजर रखते हुए रेलवे की तरफ से जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है, यानी रेलवे की तरफ से जो न्यूज निकल के आ रही है वो ये है कि आप सभी के लिए जो है रेलवे जो है एक वो देने वाला है, आप सभी का एक सरप्राइज देने वाला है रेलवे, है ना। आप लिख सकते हैं कि रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, यानी सही में रेलवे के इतिहास में पहली बार ऐसा कारनामा हुआ है। अब वो क्या हुआ है कि ELP, NTPC, ग्रुप डी, JEE सभी की वैकेंसी के नोटिफिकेशन एक साथ जारी कर दिया गया है। यानी इसके पहले अगर हम लोग देखें तो रेलवे में जो है इस तरीके की कोई भी कहानी जो है नहीं हुआ करती थी, यानी रेलवे में जो है इस तरीके का कुछ भी पहले नहीं हुआ करता था। बट अभी जो है रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन में बताया गया है कि आप सभी का जो है वैकेंसीज जो है ऑलरेडी जो है बता दिया गया है कि कब कब जो है रेलवे की तरफ से वैकेंसीज आएगी। और यहाँ पे मैंने एक बात और लिखा है कि रेलवे ने तो गजब कर दिया भाई, कि रेलवे ने पहले कभी भी कोई सा भी उठा लीजिए, कोई सा भी स्टेशन आप देख लीजिए, रेलवे में इस तरीके की कहानी जो है कभी भी नहीं हुई है। इन्होंने जो है ये जारी किया गया है इसमें, और इन्होंने जो ये जारी किया है जरा इसमें हम लोग चीजों को अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या चीजें आप लोगों को निकल के आ रही है कि इन्होंने एनुअल अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। एनुअल इन्होंने क्या किया है, अपना कैलेंडर जारी कर दिया है, यानी RRB की तरफ से एनुअल कैलेंडर जारी कर दिया गया है। इशू ऑफ सेंट्रल इंप्लॉय नोटिफिकेशन एक जारी की गई है, यहाँ पे पीरियड बताया गया है और यहाँ पे कैटेगरी बताई गई है कि कौन से पीरियड में कौन सी कैटेगरी में आपका जो है एग्जाम होने वाला है। पहले अगर मैं जनवरी से लेके मार्च की बात करूं तो जनवरी से लेके मार्च में जो है ELP की वैकेंसीज जो है अभी आपको पता है कि ELP की वैकेंसीज जो है चली रही है, और इसका जो है लास्ट डेट जो है वो क्या है, इसका जो लास्ट डेट है यही आप लोगों का फरवरी में ही है, 19 फरवरी को जो है इसका लास्ट डेट है, यानी 19 फरवरी तक 2024 तक जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने बोला है कि इसका एग्जाम वगैरह जो है वो बहुत जल्द ले लिया जाएगा। अप्रैल और जून में जो है इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, अप्रैल और जून में जो है ये क्या चीज का एग्जाम लेने वाले हैं, तो कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ, तो अप्रैल और जून में जो है ये टेक्नीशियन का एग्जाम लेने वाले हैं। लेकिन टेक्नीशियन की अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि टेक्नीशियन में जो है आपका कौन कौन बच्चे जो है अप्लाई कर पाएंगे। इन्होंने जुलाई और सितंबर का भी कैलेंडर जारी कर दिया है भाई, और जुलाई और सितंबर में इन्होंने बात किया है कि जुलाई और सितंबर में जो होगा वो क्या होगा, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट, है ना। अब यहाँ पे जो लेवल है वो 4, 5, 6 है, यानी यहाँ पे ग्रुप डी हो जाएगा, नॉन टेक्निकल में आपका NTPC आ जाएगा, नॉन टेक्निकल में आपका TT आ जाएगा, यानी TT हो गया आपका, ग्रुप डी हो गया और आपका NTPC हो गया, ये जो है नॉन टेक्निकल के अंदर जो है आपके आते हैं, ये ग्रेजुएट वालों के लिए है। ग्रेजुएट वाले भी शायद ऑडियो जो है पिछले साल इन्होंने कहा था कि ग्रुप डी जो होगा वो ITI स्टूडेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बताऊंगा, और इसके ऊपर भी कहानी जो है एक मजेदार है वो मैं आपको बताऊंगा एक आध दो दिन में जो वीडियो आएगी उसमें, ठीक है। और यहाँ पे देखिए नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट का मतलब क्या है कि ग्रेजुएशन जिन्होंने नहीं किया है, जिन्होंने 12th किया है, जिन्होंने 10th किया है, वो कैटेगरी जो है लेवल 2 और 3 के अंदर आती है, यानी ग्रुप डी, NTPC जो भी हो गया वो हो गया। अब इन्होंने अक्टूबर और दिसंबर का भी एक शेड्यूल निकाला है, आपको नीचे दिख रहा होगा कि इन्होंने अक्टूबर और दिसंबर का भी एक शेड्यूल निकाला है, जिसमें इन्होंने बोला है कि यहाँ पे आपको जूनियर इंजीनियर का एग्जाम लेंगे, यहाँ पे पैरामेडिकल होगा लेवल 1 होगा, और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आइसोलेटेड कैटेगरी जो होगी वो होगी। तो भाई सही में रेलवे ने तो गजब कर दिया, क्योंकि इसके पहले रेलवे के इतिहास में पहली बार जो है इस तरीके के कारनामे हो रहे हैं, यानी पहली बार जो है इन्होंने पूरा कैलेंडर जारी किया है,
यानी अगर मैं पिछले बहुत सालों से देखूं तो पिछले बहुत सालों से इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था कभी भी। इस साल इस बार जो है इन्होंने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है कि हम लोग जो है इस तरीके का भी एग्जाम लेंगे। अब इसके पीछे का कारण क्या है, कारण आपको भी पता है। कारण मेरे दोस्त ये है कि आप सभी ने जो आंदोलन किए थे, आप सभी ने जो है एएलपी के वैकेंसीज को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जो रखा था सरकार के, और उसी के मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इंक्रीज तो खैर पोस्ट किया नहीं, लेकिन ये आप लोगों के लिए दे दिया। यानी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे पहले से, या जो भी बच्चे अब तैयारी में जुट गए हैं, उन सभी के लिए बेहतर हो गया है कि अब जो है आप रेलवे की नौकरी आराम से पा सकते हैं। आराम से तो मिलेगा नहीं भाई, मतलब रेलवे में ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे थे, अगर तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो है तैयारी वो वेस्ट नहीं होगा। क्यों बेस्ट नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया है कि इसके अकॉर्डिंग ये पूरा साल में जो है ये वैकेंसीज निकालेंगे, और इस पूरे साल में जो है इस तरीके से आप लोगों का वैकेंसीज जो निकल के आया है उसको ये फुलफिल करेंगे, है ना। तो ये पूरा इन्होंने जो कैलेंडर जारी किया है मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया कर दिया है। क्योंकि पिछले अगर पिछले से पिछले साल देखें तो 2018 में जो है एलपी की वैकेंसी आई थी लास्ट, और उसके बाद जो है ये 2000 सीधे 24 में वैकेंसीज निकल के आ रही है, 5 साल के बाद सीधे वैकेंसी, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये अगर जब निकल रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं रेलवे अब अच्छा कर रही है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।